ट्रेंडिंग वर्ड चल रही हैं उनके बारे में और उनके हिंदी मीनिंग्स के बारे में बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन होता है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि जो भी अपकमिंग वीडियो होता है वो आप तक पहुंच सके। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड मैं आपको बता रही हूँ दैट इज नेपोटिज्म। व्हाट डू मीन बाय द नेपोटिज्म? आजकल आप सुन रहे हैं न्यूज चैनल्स में, मैगजीन्स पर, टीवी पर, ट्विटर पर, सब जगह जो आजकल आप सुन रहे हैं नेपोटिज्म वर्ड, इसका हिंदी मीनिंग होता है भाई भतीजा वाद। यानी कि जिस क्षेत्र में हम, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ हमारे ही अपने ही आए, आम जनता को उसमें कोई चांस नहीं मिली। तो जैसे हम इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि नेपोटिज्म का, जैसे आजकल आप देख रहे हैं सुशांत का केस आपने देखा, बॉलीवुड में जो है आजकल बहुत सारा नेपोटिज्म चल रहा है। तो देर इज नेपोटिज्म इन द बॉलीवुड, इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, देर इज नेपोटिज्म इन द बॉलीवुड। और दूसरा एग्जाम्पल जो हम लेते हैं कि जैसे जो जो नेपोटिज्म चल रहा है उसके कारण आम जनता को कोई भी अवसर नहीं मिल रहा है, वो आम जनता जो है अपने आगे नहीं बढ़ पा रही है भाई भतीजे वध के कारण। एक ही फैमिली के जो है जो मेंबर्स होते हैं, दूसरे मेंबर्स वो ही जो है आगे बढ़ पाते हैं, दूसरे आगे नहीं आ पाते हैं। तो कॉमन पर्सन डज नॉट गेट ए चांस ड्यू टू नेपोटिज्म। कॉमन पर्सन डज नॉट गेट ए चांस ड्यू टू नेपोटिज्म, यानी कि आम जनता को जो है नेपोटिज्म के कारण कोई अवसर नहीं मिल रहा आगे बढ़ने का। दूसरा वर्ड हमारा है बॉयकॉट। व्हाट डू मीन बाय द बॉयकॉट? बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना, चाहे वो किसी वस्तु का हो, चाहे किसी व्यक्ति का हो, चाहे किसी के लिए हम जो है बहिष्कार करना कह सकते हैं। बहिष्कार करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है मारना, आपका मुंह सुझा देना या आपको लाठियों से डंडों से मारना, ऐसा बहिष्कार नहीं है। बहिष्कार मतलब मुंह सुझा के बैठना, बात नहीं करना, मुंह बनाना करना, जिस तरह से लोग करते हैं। तो अधिकतर लेडीज में ये प्रॉब्लम होती है कि वो जो है नाराज हो जाती है तो मुंह बनाकर बैठ जाती है, बॉयकॉट कर देती है। जैसे कि हम, जैसे अभी हमने सामान का बॉयकॉट किया है, चाइना का जो सामान है उसका बॉयकॉट हमने किया है। तो वी शुड बॉयकॉट दीज थिंग्स, यानी कि जो हमारा जो सामान है ये सामान हमें यूज में नहीं लेना है, इसका हमें बहिष्कार करना है। इसी तरीके से हम किसी पर्सन या व्यक्ति के लिए भी कह सकते हैं, जैसे हमारी क्लास में होता है या हमारी कॉलोनी में होता है या सोसाइटी में होता है कि सीता जो है वो मुझसे बात नहीं कर रही है और किसी दूसरे को मेरे से बात करने भी नहीं दे रही है, तो वो सीता क्या कर रही है, मेरा बॉयकॉट कर रही है। सीता इज बॉयकॉटिंग मी। नेक्स्ट वर्ड हमारा ट्रॉल, TROLL। ट्रॉल मीन्स मजाक उड़ाना, खिंचाई करना। ये जो लोगों की गलतफहमी होती है कि जो ट्रॉलिंग होता है, ये जो ट्रॉल जो किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, वो सिर्फ इंटरनेट पर ही होता है, ऐसा नहीं है। ट्रॉल जो है, जो ट्रॉल वर्ड जो होता है इंग्लिश का ट्रेंडिंग वर्ड, वो कहीं पर भी जो है यूज किया जा सकता है। जैसे लोग आमने सामने बैठे हैं उसमें भी जो है ट्रॉल वर्ड यूज करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ हम उसमें इंटरनेट में ही इस वर्ड को यूज करते हैं। इंटरनेट पर जैसे लोग जो है कोई भी किसी का मजाक उड़ा रहा है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, नाम लेना सही नहीं है इसलिए, तो हम क्या कहेंगे इसके लिए, पीपल ट्रॉल्ड हिम ऑन इंटरनेट, यानी कि लोगों ने इंटरनेट पर उसका मजाक उड़ाया या मजाक बनाया या फिर उसके बारे में जो है उसकी खिंचाई की, इंटरनेट पे जो है उसकी खिंचाई की। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे कोई आमने सामने हम हैं या कोई पार्टी में है तो लोग आ जा रहे हैं या उनमें कोई आ रहा है, तो किसी भी ड्रेस के लिए जो है पर्टिकुलर, अगर हम कहते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं हम अलका की ड्रेस के लिए कह रहे हैं कि उसने जो ड्रेस पहनी है वो फटी पुरानी है, तो लोग जो है उसकी ट्रॉलिंग कर रहे हैं, हम कहेंगे जो वर्ड यूज करेंगे वो ट्रॉलिंग के लिए। तो पीपल आर ट्रॉलिंग अलका फॉर हर ड्रेस, हम क्या कहेंगे, पीपल आर ट्रॉलिंग अलका फॉर हर ड्रेस। इसका मतलब ये हुआ कि अलका ने जो ड्रेस पहन रखी है लोग उसकी खिंचाई कर रहे हैं कि वो तो फटी पुरानी है, वो पुरानी है, गंदी है, इस तरीके से जो है उसकी ड्रेस के बारे में उसका मजाक बना रहे हैं, तो हम यहाँ ट्रॉल वर्ड यूज कर रहे हैं। वर्ड हमारा बिंज, BINGE। बिंज का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक। ये जो बिंज वर्ड है ये हम खाने पीने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि वो सुबह से जो है लगातार खा रहा है तो हम कहेंगे उसके लिए ही हैज बीन बिंज ईटिंग सिंस मॉर्निंग। क्या कहेंगे, ही हैज बीन बिंज ईटिंग सिंस मॉर्निंग, उसने जो है 10 केले खाए, तो हम कहेंगे ही बिंज एट 10 बनानाज, क्योंकि ये जो है पास्ट डेफिनेट टेंस है, तो ईट की जो है हम सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं एट, ATE एट खाए, ही बिंज एट 10 बनानाज।
तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको जो है ये सारे वर्ड्स बताए और उनके एग्जांपल्स और इनकी हिंदी भी बताई। आई होप कि आपको जो है मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।